देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न। भोपाल आदि कवि महर्षि ब्रह्म वाल्मीकि घराना महामठ के तत्वधान में वाल्मीकि आश्रम वार्ड क्रमांक 4 तालाब के किनारे भोपाल में महर्षि वाल्मीकि भगवान के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। उक्त कार्यक्रम में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य सत्संग समारोह का कार्यक्रम हुआ। वहीं उक्त कार्यक्रम में आर्य ब्रह्म श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय के द्वारा संत समाज एवं समाज सेवियों को फूल माला व शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि भगवान की शोभा यात्रा, भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन आदि कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालु भक्तजनों को प्रसादी वितरण की गई। कार्यक्रम में तमाम प्रदेश के साधु संत महात्मा उपस्थित रहे। आज आपने कार्यक्रम रखा, अपना इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का, हमारे भगवान वाल्मीकि स्वामी जी का आज प्रकट दिवस दिन है। और प्रकट दिवस दिन पर जो है आज भगवान वाल्मीकि स्वामी जी की मंदिर में स्थापना की, उसी उपलक्ष में भंडारा है, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, संतों का समागम है और भारतवर्ष के सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये अपने यहाँ कहाँ कहाँ से संत पधारे? ये हमारे यहाँ जो संत आए हैं वो कुरुक्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, जालंधर, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर और भटिंडा, और तुम्हारे से कहना चाहिए मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हर साल कार्यक्रम कराते हैं, किसी वर्ष कराया? ये आज से अपने आश्रम में जो है ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि महामठ घराना की स्थापना है और इसी में एक मंदिर है जिसमें मूर्ति की स्थापना की। भारतवर्ष में पहला होगा ब्रह्म वाल्मीकि घराना महामठ, और इस मठ की स्थापना होने से भारतवर्ष में अब ये हमेशा हर साल इस दिन मनाया जाया करेगा। वैसे भारतवर्ष में हर जगह, हर प्रांत में, हर जिले में, हर छोटे से गांव में वाल्मीकि स्वामी जी की आज के दिन जो है शोभा यात्रा और भंडारे चल रहे हैं।